हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। ऑप्शंस है ग्रासेस, डेसिडुअस एंजियोस्पर्म्स, कॉनिफर्स एंड साइकाड्स। सो द की कंसेप्ट हियर इज सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की जो गर्थ होती है उसमें इंक्रीज होता है। सो देयर इज इंक्रीज इन दी गर्थ, और ये होता है बिकॉज ऑफ दी लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम दो टाइप का कैम्बियम बनाता है। फर्स्ट वन इज दी वेस्कुलर कैम्बियम एंड दी सेकेंड वन इज दी कॉर्क कैम्बियम। ये दोनों कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ होती किसमें है? ये होती है स्टेम और रूट में, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट्स। और डाइकॉट्स क्या है? एंजियोस्पर्म्स है। मोनोकॉट्स में ये एब्सेंट होती है एक्सेप्ट इन यूका, अलॉय एंड ड्रसेनिया। बिकॉज मोनोकॉट में ये वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है, दे लैक वेस्कुलर कैम्बियम। सो अब क्वेश्चन में पूछा है प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। फर्स्ट है ग्रासेस, तो ग्रासेस क्या है? मोनोकॉट्स हैं, और इनमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, नो सेकेंडरी ग्रोथ। इसलिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है डेसिडोस एंजियोस्पर्म्स, ये डाइकॉट्स होते हैं। थर्ड है कॉनिफर, कॉनिफर और साइकॉट्स दोनों ही जिम्नोस्पर्म्स हैं, और इन दोनों में ही सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। इसलिए ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रासेस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।